किसान भाइयों, धान की खेती में कल्ले बढ़ाने के लिए हमें कौन से उपाय करना चाहिए और ये किस समय करना चाहिए? किसान भाइयों, अगर आपकी खेती यानी कि अगर आपकी धान की रोपाई के 20 से 25 दिन बीत गए हैं तब ये तरीका आप अपने खेत में बना सकते हैं। इससे किसान भाइयों आपके खेत में अधिक कल्ले की बढ़वार होगी और उसके साथ साथ अच्छी पैदावार भी होगी। तो किसान भाइयों, हम आगे से जानते हैं कि धान की खेती में कल्ले बढ़ाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। तो किसान भाइयों, सबसे पहले अगर आप हमारी वीडियो ये पहली बार देख रहे हैं या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो किसान भाइयों, धान की खेती में कल्ले बढ़ाने के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए? किसान भाइयों, धान की खेती में कल्ले बढ़ाने के लिए आज हम इस वीडियो में आपको दो तरीका बताएंगे। आप दो तरीकों से अपने खेत में धान के अधिक कल्ले बढ़ा सकते हैं और अपने खेत में धान की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले जो हमें तरीका अपनाना है अपने खेत में, उसके लिए किसान भाइयों आपको सागरिका का इस्तेमाल करना है। सागरिका का जब आप इस्तेमाल करते हैं अपने धान की खेती में तो किसान भाइयों इससे धान की जो है अधिक पैदावार भी होती है और अधिक से अधिक कल्ले भी आते हैं। किसान भाइयों, सागरिका का जो आपको इस्तेमाल करना है वो करीब एक एकड़ में आपको 8 से 10 kg की मात्रा में आपको अपने खेत में बुआई करनी है। आपको एक बात का जरूर इसमें ख्याल रखना है, अगर आपकी धान की रोपाई के 20 से 25 दिन हो चुके हैं तभी आप अपने खेत में सागरिका का इस्तेमाल करें। किसान भाइयों, इससे जो आपकी खेत में अधिक कल्लों की बढ़वार होगी और अधिक पैदावार भी होगी। किसान भाइयों, ये था धान की खेती में पहला तरीका जिससे आप अपने कल्लों में अधिक बढ़वार ले सकते हैं, अधिक कल्ले ले सकते हैं। किसान भाई, अब हम दूसरा तरीका जानते हैं। जब आपकी खेती अगर आपकी खेती की हो गए हैं आप उसमें नाइट्रोजन यानी कि यूरिया के साथ आप जिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, जो यूरिया का आपको इस्तेमाल करना है वो करीब 35 से 40 केजी की मात्रा में आपको एक एकड़ के लिए करना है और वही जो आपको जिंक का इस्तेमाल करना है वो करीब 8 से 10 केजी की मात्रा में आपको जिंक का इस्तेमाल करना होगा। किसान भाइयों, अगर आप इसकी बुआई कर लेते हैं तो किसान भाइयों इससे भी आपके धान की खेती में अधिक कल्ले आएंगे और अधिक पैदावार भी होगी। तो किसान भाइयों, ये थे धान की खेती में अधिक कल्ले बढ़ाने के लिए दो तरीके। अगर किसान भाइयों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर कभी मिलते हैं एक नए टॉपिक पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।